एक रिपोर्टर के लिए क्या जरूरी है जो सच है वो क्या सही कर राम ईशान भारती और वो दो हफ्ते से गए हैं सुनो तुम छवि लॉस्ट है सही छबीर प्रचार है शहरी इयामी गौतम ये मुद्दे हमारे हेलो वेलकम टू सी 24 घंटा थैंक यू थैंक यू सो मच द कैरेक्टर इज अ क्राइम रिपोर्टर सो आप किसको रोल मॉडल मान के ये कैरेक्टर को प्रिपेयर किया सो आई डिडन्ट रियली हैव

कि ऐसा होता है तो तब जब गए इन इंसिडेंट्स में तो कैसा लगा इट्स हार्ड मतलब ऑफ कोर्स इट्स वेरी डिफिकल्ट इट्स 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 अ जॉब दैट नीड्स सो मच इतना करेज चाहिए इतना यू हैव फेयरलेसनेस होना बहुत ज़रूरी है अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस जॉब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होना ज़रूरी है यू नीड टू बी अवेलेबल एनी टाइम एनी टाइम ऑफ द डे यू माइट बी स्लीपिंग एट थ्री एम एट थ्री थर्टी मे कॉल कम बैक और यू गॉट दैट यू हैव टू बी देर तो ये एक नॉन स्टॉप जॉब से भी बढ़कर ये एक ऑलमोस्ट एक पैरल अब लाइफ के अंदर एक लाइफ अब एक, एक जी रहे हैं सो इट वॉज नॉट ईजी आई थिंक शूटिंग के दौरान आप पूरा कोलकाता में घूमे और यहाँ का खाना खाया तो कैसा एक्सपीरियंस रहा होगा बहुत अच्छा था एंड आई थिंक वी वी आई एम श्योर आई मस्ट हैव ओवर ईटन सो मैनी स्वीट सो मैनी हर गली में कुछ ना कुछ है इट फील्स लाइक कि कहीं भी शूट करते अरे यहाँ का ये बहुत फ़ेमस है अरे यहाँ की चाय बहुत फेमस है अरे यहाँ की मिठाई बहुत फेमस है यहाँ का पुचका बहुत फेमस है यहाँ का रोल बहुत फेमस है यहाँ की बिरयानी बहुत फेमस है सो so, uh, बहुत मज़ा आया दादा इज़ अ फूडी His lovely wife Indrani Di, she loves hosting and I'm a foodie so and when I went back also home finally after 50 days just like you know how mummies they send so much food with you when you're going back out of town that's how Dada and Didi had Indrani Di had uh, sent me food and sweets

Uh, सिर्फ एक इंसिडेंट की बात नहीं है उस इंसिडेंट से रिलेटेड या उस इंसिडेंट का क्या मतलब है उसके अंदर भी उसके अंडर बहुत सारी लेयर्स हैं और uh, कुछ uh, और चीज़ों के बारे में भी बात की जा रही है जो बहुत एक ह्यूमन जिसको ड्रामा बोलते हैं वो है सिर्फ एक मिस्ट्री नहीं है कि अच्छा सिर्फ आप किसी को ढूंढ रहे हैं दरअ लॉट ऑफ थिंग्स विच आई थिंक विद विदी समवेयर इज़ लुकिंग और इवन इफ शी इज़ नॉट लुकिंग बट वो अपने आप दे आर जस्ट देर दे अपने आप एक सर्फिस पे वो आ जाता है तो वो तो आप देख के डिसाइड हो आपके पास फीडबैक क्या क्या है बहुत अच्छा एक भी ऐसा कोई कमेंट या एक भी ऐसा फीडबैक नहीं आया जो नेगेटिव हो खराब हो और नॉट इन अ गुड टेस्ट बहुत अच्छा आई थिंक इट्स 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 अ रियली अ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन फॉर एनी क्रिएटिव पर्सन वेदर यूर एक्टर और डायरेक्टर दैट कुछ भी नेगेटिव नहीं है एक इन इनफैक्ट एक एक्सपेक्टेशन है लोगों में एक उत्सुकता है दैट दादाज आफ्टर पिंक एंड माइंड आफ्टर थर्सडे दसवीं उही बाला दो इस दिल्स अब फिर से कुछ कुछ नया है तो आई आई होप आई एव लिवड अप टू योर एक्सपेक्टेशंस मैरिज के बाद लाइफ कैसे चेंज हो गया क्योंकि काम और पर्सनल लाइफ दोनों बैलेंस करने का है

मैं भी काम कर रही हूँ वो भी काम कर रहे हैं मे अभी फिलहाल मेरा काम है ज़्यादा यहाँ पर हूँ कल हम दिल्ली में हैं परसों कहीं और हैं प्रमोट करना है बट ही मेक श्योर देट ही वेट्स अप आफ्टर हिज वर्क ही वेट्स अप फॉर मी टू कम बैक होम सो आई थिंक देर इज़ देर इज़ लव इन वेरी सिंपल थिंग्स एंड आई थिंक वी बोथ उन दोनों को हम लोग लो बहुत चेरिश करते हैं ओके okay, और एक साथ कब हम आप दोनों का काम देख पा रहे हैं सो यू सी इट इन अ लिटिल डिफरेंट वे तो मेरी एक आ, फिल्म है कॉल धूम धाम आप जल्दी बहुत जल्दी उसके बारे में सुनेंगे आदित्य उस उस फिल्म के राइटर और प्रोड्यूसर हैं तो इट्स आई थिंक इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फिल्म थोड़ा कॉमेडी स्पेस में केबल कॉमेडी काइंड ऑफ स्पेस में है तो जब वो होएगा तो फिर तब बात करेंगे बॉलीवुड में बहुत सारा फिल्म ऐसा आ रहा है जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में बात कर रहे हैं और उसको पहले ही बोल दे रहे हैं कि बॉयकॉट बॉलीवुड तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है जो मुझे फील हो रहा है एटलीस्ट मैं हर एक का अपना एक्सपीरियंस है दे इज लॉड ऑफ पॉजिटिविटी एंड फैक्ट हमारा एफर्ट सिर्फ है कि हम अच्छी फिल्में बनाएं ताकि ऑडियंस इट्स वर्थ देर टाइम जो वो टाइम और पैसे खर्च करके फिल्म देखते हैं चाहे थिएटर्स में या सब्सक्रिप्शन की भी फ़ी होती है uh, वो सब उनका वर्थ हो सो दैट्स आर एफर्ट बंगाली में आप क्या क्या सीखा uh, मैं दादा के साथ आई थिंक लैंग्वेज से भी ज़्यादा ऊपर अगर अगर कोई चीज़ है तो वो है उस जगह का कल्चर उस जगह की एसेंस उस जगह का सोल एंड आई थिंक आई फील दैट आई फील दैट सेंस ऑफ बांगला ऑफ़ बंगली इतना कि अगर कोई दो लोग झगड़ भी रहे हो बांग्ला में मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इट्स साउंड सो स्वीट इन माई ईयर्स आई लव पीपल फ्राम हेयर कोलकाता आपने हमेशा बहुत प्यार दिया है यहाँ का खाना यहाँ का यहाँ के लोग यहाँ की वॉम्थ और यहाँ का मैं लोगों को एक एक्साइटमेंट देखती हूँ एक आंखों में जब भी जब भी बात करती हूँ तो देट टेक्स माई टायर्डनेस চলচ্চিত্রের পরিচালক রয়েছেন তার সাথেই কথা বলবো সত্য ঘটনা অবলম্বনে এই ছবি তো কোন ঘটনা তোমাকে নাড়া দেয় প্রথম এই ছবিটা করার কথা সত্য ঘটনা মানে দেখো এই ধরনের ঘটনা অ্যাটমসফিয়ারে আছে তোমরা দেখলেই বুঝতে পারবে মানে আজকের থেকে না বিশ পঁচিশ তিরিশ চল্লিশ বছর আগে থেকে আছে তো সেরকম টুকরো টুকরো ঘটনা নিয়ে এই ছবিটা বোনা হয়েছে অনেক সত্য ঘটনা থেকে আর অনেক অনুভূতির থেকে আর এটা একটা খুব মানে এই গল্পটা বলার খুব তাগিদ এসেছিল বিকজ আজকের দিনে তো সবাইকে একটু রেসপন্সিবল হতে হয় সবাইকে একটু কেয়ারফুল হতে হয় সবাইকে মানে সবাইকে একটু সংবেদনশীল হতে হয় সহানুভূতিটা দেখাতে হয় সো এই তাই এই ছবিটা করা আর যেহেতু একজন ক্রাইম রিপোর্টারের চোখ দিয়ে গল্পটা আমরা দেখব তো ইয়ামিকে বেঁচেছিলে কেন এই চরিত্রটার জন্য ইয়ামিকে কেন বেঁচেছিলাম শি ইজ দ্য বেস্ট ছবি দেখলে বুঝতে পারবে দেখো আর আমরা তো ভাবি যে একজন ক্রাইম জার্নালিস্ট অ্যাক্টিভিস্ট হবে মারামারি করবে এই করবে তা না খুব সাধারণ মিষ্টি সাধারণ মেয়ে নেক্সট ডোর মেয়ে কিন্তু তার স্ট্রেংথটা হচ্ছে তার মনে তার আর্মসে না বা তার হাতে না হৃদয়ের স্ট্রেংথ মাথায় স্ট্রেংথ তো এরকম একটা মেয়ে যার কাহিনী ভীষণ মানে ইজ আ ভেরি অর্ডিনারি উমেন বাট উইথ এক্সট্রা অর্ডিনারি পাওয়ার বর্তমান পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে তোমার কি মনে হয় এই কথাগুলো কি মানুষের মনে ধাক্কাটে নাড়া দেয় মানে সমাজের পরিবর্তন তো সেইভাবে হচ্ছে না এখনও সেইভাবে একের পর এক ক্রাইম হচ্ছে প্রতিদিন পেপার খুললেই ধর্ষণের খবর কি মনে হয় সমাজের দু হাজার বাইশে তেইশে দাঁড়িয়ে কোনো পরিবর্তন এসছে দেখো পরিবর্তন তো এসেছে অ্যাজ অ্যান আর্টিস্ট আমার কি দায়িত্ব আমি আমার কাজের মধ্যে দিয়ে আমার উপলব্ধি আমার অনুভূতিটা ব্যক্ত করব সেটাই আমার 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 কাজ কিন্তু এবার আমি তো আমার চেষ্টা চালিয়ে যাব তাতে যদি একজনও চেঞ্জ হয় একজনের মনেও সেটা রেখাপাত করে সেটা আমার সার্থকতা তো বাংলা ছবিতে কবে আনবে তুমি সমাজের কথা আমি এবছর একটা বাংলা ছবি করব খুব ইচ্ছে আছে দেখা যাক ব্যাকগ্রাউন্ড স্কোরের কিছুটা আঁচ আমরা পেয়েছি কথা যদি সেটা শান্তনু ড্যানি ওরা সবাই মিলে করেছে আর মানে আমি তো খুব হ্যাপি ব্যাকগ্রাউন্ড দিয়ে কারণ আর আমার মধ্যে একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং আছে সোয়ানন্দ নিজে একটা গান গিয়েছে আর ভীষণ ভালো কবিতা লিখেছে সোয়ানন্দ আমাকে তো গান গাইলো গান গাওয়ার পর আমি এটা ইন্টারনেটে আমার ইনস্টাগ্রামে শেয়ারও করেছিলাম তো আমি তো বলেছিলাম আমার লুট গায়ে গানটা এত ভালো লাগে তো একদিন আমরা একটা সেশন করলাম ও সন্ধ্যে সাতটা থেকে রাত এগারোটা সাড়ে এগারোটা অবধি স্টুডিওতে বসে গাইলো শান্তনু গিটার বাজালো ড্যানি পিয়ানো বাজালো অসাধারণ সময় কাটিয়েছিলাম আর তাতে লুট গায়ে গানটা মানে পুরোটা সোলফুলি গাইলো সেটা আমি রেকর্ডও করলাম দুর্ভাগ্যজনক মানে নিয়তি কেন বাধ্যতে জি চব্বিশ ঘন্টার জন্য ক্যামেরায় তরুণের সঙ্গে অনুষা বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতা